हे गाइस, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप इंग्लिश में बोलना तो चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस बात के लिए मैं कौन सा सेंटेंस यूज करूं या फिर सेंटेंस को मैं कैसे फॉर्म करूं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आई हूं आपके लिए आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे टॉप 20 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जिनको सीख के, जिनको याद करके, जिनको रट के आप बन सकते हैं इंग्लिश के मास्टर। बस इन सेंटेंसेस को याद कर लो और उसके बाद जब भी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे ये फिट बैठते हों तो फटाक से इनको बोल दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो है ना अच्छी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ दीज स्लीपर्स आर योर्स। इनमें से कौन से स्लीपर्स आपके हैं। स्लीपर्स वो टाइप के एक जूते होते हैं जो लेडीज पहनती हैं। तो किसी लेडी से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन स्लीपर्स में आपके स्लीपर्स कौन से हैं। नंबर टू सेंटेंस इज, प्लीज थ्रो द ट्रैश आउट। कृपया करके कूड़ा या कचरा आप बाहर फेंक दें। और हमेशा हमने कहाँ फेंकना है अपना कचरा, प्लीज थ्रो द ट्रैश आउट इन द डस्टबिन और इन द गार्बेज बिन। नंबर थ्री इज, दिस कार्ड केम फ्रॉम माई कज़न। ये कार्ड मुझे मेरी कज़न ने भेजा था। सो कज़न ब्रदर भी हो सकता है एंड कज़न सिस्टर भी। सो डिफाइन करने के लिए आप एंड में ब्रदर और सिस्टर भी लगा सकते हो। एंड नंबर फोर इज, कैन यू गेट मी द आई ग्लासेस। क्या आप मेरे चश्मे, मेरे आई ग्लासेस मुझे ला दोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आई ग्लासेस की जगह आप और कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उसको रिप्लेस कर सकते हो। एंड योर सेंटेंस इज रेडी। एंड नंबर फाइव इज, देयर वॉज अ टाइम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। वो भी कोई वक्त था, ऐसा भी कोई एक वक्त था जब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, देन आई लव्ड टू लिसन टू म्यूज़िक, कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगता था या जो भी आप करते थे, इसकी जगह वो वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड योर सेंटेंस इज अगेन रेडी टू यूज़। नंबर सिक्स इज, माई पपी रैन इन टू वुड्स। मेरा छोटा कुत्ता, पपी मीन्स स्मॉल डॉग, कहाँ भाग गया, जंगल की तरफ भाग गया या जंगल में भाग गया। एंड नंबर सेवन इज, आई विल बी राइट बैक। मैं बस अभी वापस आया या मैं अभी वापस आई। सो यू कैन से, हे वेट हियर, आई विल बी राइट बैक। जैसे मैं आपको रोज एंड में बोलती हूँ आई विल बी राइट बैक टुमारो। सेंटेंस नंबर एट इज, लेट्स हैव डिनर टुगेदर आफ्टर वर्क। चलो काम फिनिश करने के बाद रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। एंड नंबर नाइन इज, आई लाइक दिस बैग बेटर देन द अदर यू शोड मी। मुझे ये बैग उस बैग से ज़्यादा पसंद आया जो तुमने मुझे पहले दिखाया था। तो आप यहाँ पे बैग वर्ड को किसी भी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो ये बताने के लिए कि ये चीज़ मुझे पहली वाली चीज़ से बेटर लगी। नंबर टेन इज, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंग्लिश टीचर। मीन्स ये टीचर मेरी फेवरेट इंग्लिश टीचर्स में से ही एक है। मीनिंग कि मेरी बहुत सारी फेवरेट इंग्लिश टीचर्स हैं और ये भी उनमें से एक है। एंड आई होप कि जल्द ही मैं भी आपकी उस लिस्ट में शामिल होने वाली हूँ। नंबर 11 इज, आई लिव अप इन द माउंटेंस। मैं ऊपर पहाड़ों में रहता हूँ या रहती हूँ, या मेरा घर ऊपर पहाड़ों में है। हे फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक हिट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस पे वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी यहाँ पर कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, यहाँ पर वीडियोज़ डेली अपलोड होती हैं। एंड सेंटेंस नंबर 12 इज, आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन। मुझे लगता है कि मुझे लेट जाना चाहिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन। सेंटेंस नंबर 13 इज, व्हाट इज दिस मूवी अबाउट। ये मूवी, ये फिल्म किस बारे में है। नंबर 14 इज,
जस्ट अ फ्यू मोर एरेंड्स एंड आई एम डन, बस कुछ और थोड़े से छोटे छोटे काम और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, आई एम डन। एरेंड्स वर्ड होता है कि जब हमने बहुत छोटे 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 काम जमा कर लिए हो और उनको एक साथ करना हो, या फिर किसी और के दिए हुए काम को हमने पूरा करना हो, दैट इज एरेंड्स। नंबर 15 इज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट, चलो हम अब दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे चलते हैं। टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो कुछ फेमस जगह होती है जहाँ पे आप देखने जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो उनको टूरिस्ट स्पॉट कहते हैं। नंबर 16 इज इफ़ यू सी अ टाइगर हेयर रन फॉर योर लाइफ, अगर आपको यहाँ पे टाइगर दिखा, चीता दिखा, तो अपनी जान बचा के भागो, मतलब भागना अपनी जान बचाने के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई टाइगर नज़र आया तो। नंबर 17 इज कैन वी टॉक इन प्राइवेट, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। नंबर 18 इज दिस इज़ माई लास्ट स्लाइस ऑफ केक, आई प्रोमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये मेरा केक का आखिरी स्लाइस है, ये खाने दो, इसके बाद नहीं खाऊंगी, सो दिस इज़ माई लास्ट स्लाइस ऑफ केक, आई प्रोमिस। नंबर 19 इज द सॉयल ऑफ दैट प्लेस इज फर्टाइल, उस जगह की जो मिट्टी है, सॉयल मीन्स मिट्टी, वो फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है। आप दैट की जगह दिस भी लगा सकते हो कि इस ज़मीन की मिट्टी उपजाऊ है, द सॉयल ऑफ दिस प्लेस इज फर्टाइल। सेंटेंस नंबर 20 इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको भी सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।